सीरीज विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 की कहानी को। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम हैना को देखते हैं जो न्यूज देख रही होती है। न्यूज के अंदर बस एक ही चर्चा होता है कि डैशऑफ कंपनी ने लोगों के साथ फ्रॉड किया है और इस कंपनी के काफी सारे एम्प्लॉय को पकड़ लिया गया है। साथ ही हैना ओवन के साथ बिताए हुए पलों को भी याद करती है, जहां हैना ने एक बार ओवन से कहा था कि तुम मेरे साथ ऑस्टिन में चलो, लेकिन तब ओवन ने जवाब देते हुए कहा था कि हमें टाउस की तरफ चलना चाहिए। हैना यही सब सोच ही रही होती है, तभी उसे न्यूज के अंदर पता चलता है कि कंपनी के सीईओ को बेल मिल चुकी है। हैना समझ नहीं पाती कि उसे बेल कैसे मिली, इसीलिए हैना अपने दोस्त कार्ल को फोन करती है और उससे बोलती है कि मुझे वकील की जरूरत है, मेरे घर पर भी यूएस मार्शल से एक आदमी आया था जिसका ग्रेडी नाम था। वही हम बेली को देखते हैं जो अपने डैड के साथ हुई पुरानी चैटिंग को देख रही है और अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। तभी उसके पास उसकी मॉम हैना आती है। हैना बेली को यहाँ से स्कूल में ले जाने लगती है, लेकिन हैना देखती है कि उनकी गाड़ी का कोई दूसरी गाड़ी पीछा कर रही है। हैना शॉर्टकट लेकर अपनी बेटी बेली को स्कूल छोड़ देती है, लेकिन बेली के स्कूल पहुंचते ही बेली देखती है कि सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हैं और बेली के डैड के बारे में बातें कर रहे हैं। इस बात से बेली को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। हैना तब यहाँ से चली जाती है और वह जूल्स को कॉल करती है। जूल्स अपनी दोस्त हैना को दिलासा देती है कि आज तुम्हारा हस्बैंड शाम तक तुम्हें कॉल कर लेगा, बस तुम्हें हौसला रखने की जरूरत है। हैना नहीं समझ पाती कि ओवन ने मेरे साथ क्या किया है, आखिर कम से कम मुझे कॉल तो करता। जूल्स के पास मैक्स नाम की लड़की होती है, वह भी हैना को बताती है कि मैं भी अपनी जांच कर रही हूँ, हमें जल्द से जल्द एक गवाह की जरूरत होगी। तभी हैना को ओवन का लैपटॉप नजर आता है जो उसी की गाड़ी में है। हैना इस लैपटॉप को ओपन करके देखती है और उन फाइलों को देखती है जिससे हैना को थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके। इसी में ओवन की वसीयत की भी एक फाइल होती है, लेकिन वो ओपन नहीं होती क्योंकि उसमें पासवर्ड होता है और हैना को इस पासवर्ड का पता नहीं होता। तभी हैना के पास दो ऑफिसर आते हैं और वो हैना को बोलते हैं कि हमें आपसे और बेली से बातें करनी है। साथ ही वो हैना से ओवन का लैपटॉप भी ले लेते हैं और बोलते हैं कि इस चीज़ का हमारे पास वारंट भी है। हैना बोलती है कि जो भी बात करनी है तुम मुझसे कर सकते हो, इसमें ओवन की बेटी बेली को बीच में मत घसीटो। तभी ऑफिसर बोलते हैं कि हमें बताओ ओवन कहाँ पर है। हैना बोलती है कि अगर तुम लोगों को पता चले कि ओवन कहाँ पर है तो मुझे भी बताना, क्योंकि मेरी अभी तक उससे बातचीत नहीं हुई है। ये ऑफिसर बाद में पूछते हैं कि आपके घर पर कोई आया था। हैना बोलती है कि मेरे घर पर यूएस मार्शल का आदमी आया था जिसका ग्रेडी नाम है। ऑफिसर बोलते हैं कि आपको किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा लोगों से दूर रहना चाहिए। हैना बोलती है कि वो यूएस मार्शल वाला भी यही बात कर रहा था कि मुझे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। हैना यहाँ से अपने दोस्त कार्ल के पास जाती है जिसके पास उसने वॉइस मेल छोड़ा था, लेकिन हैना को पता चलता है कि कार्ल यहाँ पर पार्टी कर रहा है। तभी कार्ल की पत्नी हैना के पास आती है और वह हैना से अकेले में बात करती है और बोलती है कि जिस कंपनी के अंदर तुम्हारा हस्बैंड इंजीनियर था उस कंपनी में हमने बहुत सारे पैसे लगाए थे, हमारी जिंदगी की सारी पूंजी उसी में थी और तुम्हारे हस्बैंड की वजह से हमारा सारा पैसा डूब चुका है, इसीलिए हमारे घर को छोड़कर यहाँ से चली जाओ और दोबारा हमारे दरवाजे पर आने की हिम्मत मत करना, और जब तुम्हारे पति मिल जाएं तब मेरी तरफ से उन्हें भाड़ में जाओ जरूर बोलना। हैना उदास मन से वापिस आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रेडी हैना के ऊपर नजर जमाए हुए है। वह हैना का चोरी चुपके पीछा कर रहा है। हैना अपनी गाड़ी में आकर ओवन के साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करती है। तब ओवन ने हैना से कहा था कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानना चाहता हूँ, तुम्हारे प्रेमियों के बारे में जानना चाहता हूँ। हैना बोलती है कि अगर पास्ट के बारे में ही बात करनी है तो मैं तुम्हारी पत्नी ओलिविया के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने उसके बारे में मुझे ज़्यादा बताया नहीं। तब ओवन बताता है कि एक कार एक्सीडेंट के अंदर ओलिविया की मृत्यु हो गई थी। तब बेली बहुत छोटी थी, उसे तो इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। तब हैना ने ओवन को हौसला दिया था। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। हैना अपने एक पुराने दोस्त जैक को कॉल करती है जो कभी हैना से प्यार किया करता था, और हैना उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जैक बोलता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं। हैना बताती है कि मेरे हस्बैंड मुसीबत में हैं। जैक चुटकी लेते हुए बोलता है कि मैं तो तुम दोनों का डिवोर्स करवा सकता हूं, लेकिन हैना बोलती है कि यह बहुत गंभीर बात है, मेरे हस्बैंड के पीछे पुलिस वाले भी हैं, साथ ही यूएस मार्शल वाले भी। जैक यह सुनते ही चौंक जाता है और वह बोलता है कि पुलिस का तो ठीक है, लेकिन यूएस मार्शल वाले तुम्हारे हस्बैंड के पीछे क्यों हैं। हैना बोलती है कि इस बारे में मुझे भी नहीं पता, बस मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जैक हैना की मदद करने के लिए मान जाता है। वहीं हम बेली को देखते हैं जो स्कूल के अंदर है, सभी लोग उसे घूर तो रहे होते हैं। तभी वहीं पर उसका हस्बैंड बॉबी आता है जो बेली को संभाल लेता है। बेली अपने बॉयफ्रेंड को देखकर खुश होती है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद बेली को पता चलता है कि बॉबी यहाँ से ड्यूक के लिए जाने वाला है और इस स्कूल को छोड़ने वाला है। इस बात से बेली दुखी हो जाती है कि तुम्हें ड्यूक में एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप मिली है और ये बात अब तक तुमने मुझे छुपाई, और इसी वजह से वह बॉबी से नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। बेली यहाँ से अपने घर की तरफ आ जाती है। रास्ते में काफी तेज बारिश होती है। जब वह अपने घर पर पहुँचती है तो उसकी मॉम वहाँ पर नहीं होती। बेली को ऐसे लगने लगता है कि जैसे उसके घर पर कोई है, और साथ ही उसके घर की खिड़कियाँ खुली हैं
बेली भागकर अपनी मॉम के पास जाती है जो अपने स्टूडियो के अंदर आर्ट बना रही होती है और अपनी मॉम को बोल देती है कि शायद हमारे घर पर कोई है। बेली की मॉम है ना पुलिस वालों को कॉल करती है। जब पुलिस यहाँ पर आती है तो यह पूरे घर की छानबीन करती है, लेकिन वे लोग बताते हैं कि इस घर के अंदर कोई नहीं है, ना ही ऐसा लगता है कि इस घर के अंदर कोई आया है। तब हाना और बेली वापस घर के अंदर पहुंचती हैं और पूरे घर को चेक करती हैं। हाना अपने पैसों को भी चेक करती है, वो भी सही सलामत होते हैं और इस बात से उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि इस घर के अंदर कोई नहीं आया। शाम तक इनके घर पर जूल्स और मैक्स भी आ जाती हैं। जूल्स बेली से मिलती है और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है और वहीं मैक्स हाना से बात करती है। मैक्स ओवन के बारे में जानना चाहती है, लेकिन हाना कुछ नहीं बताती और बोलती है कि शायद तुम ये अपनी रिपोर्टिंग के लिए करोगी, क्योंकि मैक्स न्यूज़ रिपोर्टर का काम करती है। मैक्स बोलती है कि अगर मैं ऐसा करती तो शायद मैं अब तक ओवन पर हमला बोल चुकी होती, जैसा कि मेरा एडिटर चाहता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हैना बोलती है कि ओवन ने जो किया है शायद उसकी कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन मुझे अभी तक वजह पता नहीं लग पाई। मैक्स बोलती है कि अगर पता लगाना है तो तुम्हें जिंदगी के कुछ पन्नों को पलटना होगा ताकि तुम्हें पता लग सके कि आखिर माजरा है क्या। वहीं जूल्स भी बेली से बात कर रही होती है, तब बेली अपनी उदासी का कारण बता देती है कि वो भी ड्यूक के लिए जा रहा है और मैं एक बार फिर से यहाँ अकेली हो जाऊंगी। तब जूल्स यहाँ पर बेली को संभालती है। मैक्स भी हाना से यह सुनकर हैरान है कि यूएस मार्शल वाला भी ओवन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। मैक्स बोलती है कि शायद वह आदमी फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग यूएस मार्शल का नाम लेकर ऐसी ही जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर देते हैं। हाना बोलती है कि मेरे पास उस आदमी का नंबर भी है, लेकिन उस आदमी के पास अपना खुद का कार्ड नहीं था, उसने मुझे नैपकिन पर अपना नंबर दिया। तभी हाना के पास कार्ल आ जाता है। कार्ल सबसे पहले हाना से माफी मांगता है कि मेरी पत्नी ने तुम्हें भला बुरा कहा और बोलता है कि मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हाना बोलती है कि तुम्हारी पत्नी पैसों के बारे में बात कर रही थी। कार्ल बोलता है कि वो पैसे मैंने जुए में उड़ा दिए और मैंने मेरी पत्नी से यह कहा कि मैंने डैशऑफ कंपनी में पैसा लगाया और उस कंपनी की वजह से मेरा पैसा डूब चुका है और इसी वजह से मेरी पत्नी तुम पर गुस्सा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं मेरी पत्नी को सारी सच्चाई बता दूंगा। हैना बोलती है कि ओवन ने तुमसे कभी ऑस्टिन का जिक्र किया है, क्योंकि मेरे घर पर जो यूएस मार्शल आया था वह ऑस्टिन से ही बिलोंग करता है। तब कार्ल बोलता है कि ओवन ने मुझसे ऑस्टिन का एक बार जिक्र किया था जहां वह क्लब के बारे में बोल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह ऑस्टिन गया था या नहीं गया। कार्ल यहां से चला जाता है। हाना यह कन्फर्म करना चाहती है कि यूएस मार्शल जो उसके घर पर आया था वह असल में यूएस मार्शल है या नहीं, इसीलिए वह यूएस के अंदर कॉल करती है और ग्रेडी के बारे में पूछती है, तो उसे पता चल जाता है कि वह असल में एक यूएस मार्शल है। लेकिन तभी हाना देखती है कि कोई आदमी उसके ऊपर नजर रख रहा है। हाना यहाँ से अपनी बेटी के पास चली जाती है जहाँ बेली अपने और अपने डैड के साथ बिताए हुए पुराने पलों की फोटो देख रही है। हाना अपनी बेटी से बोलती है कि क्या तुम और तुम्हारे डैड कभी ऑस्टिन गए हो। हैना बोलती है कि हम वहाँ पर एक फुटबॉल मैच देखने के लिए गए थे और जिस स्टेडियम में हम गए थे वह गहरे और नारंगी रंग का था, इसीलिए हैना को पता चल जाता है कि ओवन का शायद ऑस्टिन के साथ कोई संबंध है और इस बारे में वह जैक को भी बताती है। अगली सुबह तक इनके घर के सामने ग्रेडी आ जाता है जो इन लोगों के ऊपर निगाह रख रहा है और ग्रेडी वेट कर रहा है कि हाना कब घर से बाहर निकले, लेकिन हाना घर से बाहर नहीं निकलती क्योंकि वह फ्लाइट में अपनी बेटी बेली के साथ है जो यहाँ से ऑस्टिन के लिए जा रही है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है। आपसे मुलाकात करेंगे और भी लेटेस्ट वेब सीरीज के साथ, तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।